हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने रैबिट के लिए एक हेल्दी ट्रीट बनाऊंगी। वैसे तो हम हर कोई ट्रीट देते हैं, लेकिन आज कुछ अलग ट्रीट मैं बनाऊंगी। हम जो जो यूज़ करेंगे इस ट्रीट को बनाने के लिए, उसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो रैबिट को बीमार भी कर सकता है। इसमें हम बनाना लेंगे, कैरेट लेंगे और ग्रास लेंगे। ग्रास को भी अच्छी तरह से हम धो लेंगे। और कोई भी हे ले सकते हैं जो आपका रैबिट खाता हो। मैं यहाँ पे अल्फाल्फा हे ले रही हूँ। अल्फाल्फा हे मेरा रैबिट बहुत ही अच्छी तरह से खा लेता है, उसको पसंद है ये। चलो हम बनाते हैं। पहले हम बनाना को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा बनाना नहीं देना है, सिर्फ 4 या 5 पीस बनाना का हमें यहाँ पे देना है। ज़्यादा बनाना देना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का शुगर होता है जो उनके हेल्थ को इफ़ेक्ट भी कर सकता है। बनाना का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, पर फ्रेंड्स बनाना में हाई लेवल शुगर होने के कारण हमें उन्हें ज़्यादा नहीं देना चाहिए, इससे उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम होता है। एक थोड़ा सा लिमिटेड में देना चाहिए, बहुत ही थोड़ा देना चाहिए। फिर हम कैरेट को लेंगे। कैरेट में भी हाई लेवल शुगर होता है जो उनके हेल्थ में बहुत इफ़ेक्ट करता है। कैरेट भी हम बहुत ही थोड़ा लेंगे। कैरेट को अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे। बनाना और कैरेट दोनों में ही हाई लेवल शुगर होता है, जो कि शुगर मीठा उनके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए एज अ ट्रीट हम उनको कभी कभी दे सकते हैं। अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे हम कैरेट को। इसको ग्राइंड कर लिया है, बहुत ही थोड़ा हमने कैरेट लिया है। अब हम अल्फाल्फा हे लेंगे। मैं यहाँ पे अल्फाल्फा हे ले रही हूँ, क्योंकि मेरा रैबिट इसको बहुत अच्छी तरह से खा लेता है। आप लोग चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, कोई भी हे ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, बट जो आपके रैबिट अच्छी तरह से खाते हों। अल्फाल्फा हे बहुत ही अच्छा सोर्स है एनर्जी, प्रोटीन, कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स का, जो रैबिट के हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ कि रैबिट को सिर्फ ग्रास या हे देना चाहिए। उनका पूरा रूटीन ग्रास और हे पर ही रखना चाहिए। अब इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से प्रॉपरली इसको मिक्स कर लेंगे। गाइस, यहाँ पे कैरेट और बनाना थोड़ा अमाउंट में देंगे, और उससे 2 गुना ज़्यादा हम इसमें हे मिलाएंगे, क्योंकि हे रैबिट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि हे अपने रैबिट को हे देना चाहिए, ग्रास देना चाहिए। अब इनको मिक्स करने के बाद अब इसे मनचाहे शेप में दे सकते हैं। आप 2-3 घंटे इनको शेप करने के देने के बाद आप इनको 2-3 घंटे तक रख दीजिए, ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो चला जाए। आप मन चाहे शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कुकीज़ का शेप दे रही हूँ। इस तरह से हम सब बाकी की भी तैयारी कर लेंगे, बाकी भी बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है हमारा ट्रीट बनी के लिए। आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि आप जितना हो सके फ्रेश देने की कोशिश कीजिए। फ्रेश देने से उनके हेल्थ में भी अच्छा रहेगा। शी लव्स हर ट्रीट, वो अपने ट्रीट पाकर बहुत ही खुश है। पर फ्रेंड्स ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि बनाना, कैरेट, इनमें मैं बार बार बोलती हूँ, इनमें बहुत ही हाई
हाई लेवल का शुगर होता है जो आपके बनीस को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकता है। दीजिए एज अ ट्रीट, थोड़ा दीजिए। शी लव्स हर ट्रीट।